क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ हमें एक डायग्राम दिया गया है और बोला गया है टू पार्टिकल ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी रेस्पेक्टिवली हैविंग द सेम चार्ज, चार्ज कैसा है, सेम है, तो यहाँ पर इसके पास भी चार्ज कितना है क्यू और इसके पास भी चार्ज कितना है क्यू, एंड मूविंग इन अ प्लेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर दिस प्लेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर वी एंड वी बी रेस्पेक्टिवली एंड द प्रोजेक्शंस आर एज शोन इन द फिगर, तो हमें यहाँ से कंक्लूजन निकालना है, ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं इस डायग्राम का यूज करते हुए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बी होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा आर ए होगा, क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बी है और ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि आर ए इज ग्रेटर देन है आर बी, क्लियर, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, तो हम लोग लिख सकते हैं आर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम ए मास ऑफ पार्टिकल ए, पी ए डिवाइडेड बाय क्यू बी, और आर बी हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू यह है इक्वेशन नंबर वन एम बी पी बी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहां पर अगर पुट करें तो ये हो जाएगा एम ए पी ए is greater than mb, clear, क्योंकि radius of curvature ra के ज्यादा है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ma ba is greater than mb